अमेरिकी मिड टर्म इलेक्शन में बाइडेन की डेमोक्रेटिक ने सीनेट यानी अपर हाउस में 50 सीटें जीत ली हैं। अब अमेरिका संसद के अपर हाउस में डेमोक्रेट्स का कंट्रोल होगा। सीनेट में मिली जीत को लेकर प्रेसिडेंट बाइडेन ने कहा कि मुकाबला कड़ा था, लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल हैरान नहीं हूँ कि जीत हमारी हुई। मुझे बहुत खुशी है। न्यूयॉर्क अखुदादे की रिपोर्ट्स के मुताबिक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी लोअर हाउस में रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी के बीच अब भी कड़ा मुकाबला है और आगे है। आपको बता दें कि इसके पास 211 सीटें हैं। बहुमत के लिए 218 सीटें चाहिए, वही डेमोक्रेटिक पार्टी 204 सीट ही जीत पाई है।